कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए विंटर नाइट ड्रेस। ये ड्रेस 6 नंबर गोपाल जी की, मैं आपको 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनानी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। आइए अब मैं आपको ठाकुर जी की ड्रेस का माप बताते हैं। जैसे कि ये हम विंटर के लिए बनाए थे, विंटर की ड्रेस बनाए थे, ये बहुत ही सॉफ्ट सा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन वाला फैब्रिक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए हमने डिज़ाइनर कपड़ा ले लिया, ये वूलन का बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट वाला कपड़ा था। जो माप लिया मैंने इस तरीके से, देखिए यहाँ से जो लिया है ये 6 इंच है, और यहाँ से जो इसकी लेंथ ली है ये देखिए 10 इंच है। इस तरीके से लेने के बाद हम पहले इसको क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से सेंटर से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, फिर एक और फोल्ड कर लेते हैं। फिर देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये आधा इंच की नेक की कटिंग है, ये देखिए, ठीक है। और एक साइड हम इसकी ओपन करेंगे, इस तरीके से पकड़ लेते हैं और यहाँ से एक साइड इसकी ओपन कर देते हैं। फिर देखिए वन साइड ओपन हो गई और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली। तो देखिए मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे नेक की कटिंग हो गई, एक साइड ओपन हो गया। तो इसको क्या करेंगे, एक बार फिर फोल्ड में आपको करके दिखा देती हूँ। इसकी बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं, पहले यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से बाजू की हम किस तरीके से रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद मैं इसको यहाँ से 2.5 इंच रख लेती हूँ, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा तो 2 इंच रह जाएगा, क्योंकि ये वूलन का है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2.5 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, और यहाँ से आधा इंच इस तरीके से रखने के बाद, ये देखिए आधा इंच इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए आधा से कुछ पॉइंट ज़्यादा रखने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर ये कटिंग कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बाजू की भी शेप दी थी, अब इसको ओपन कर लेते हैं और इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए बाजू के लिए यहाँ पर इस तरीके से येलो कलर की मैं पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरीके येलो कलर का मैंने यहाँ फैब्रिक कट कर लिया। इस तरीके करने के बाद यहाँ पर, ये देखिए एक सीधी साइड और एक उल्टी साइड, जो हमारी सीधी साइड है ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ पर ये उल्टी साइड है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ये देखिए फोल्ड पट्टी कर लेती हूँ मैं इस तरीके से रखने के बाद। तो देखिए सिलाई लगा लेते हैं, सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हम सीधी साइड इसको पलट देंगे। तो इतना मैं काम करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों बाजू में मैंने यहाँ पर येलो कलर की पट्टी को स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, इस येलो कलर की पट्टी को मैं यहाँ पर भी इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ दोनों साइड। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने नेक पर भी इस तरीके से दोनों साइड यहाँ पे येलो कलर की पट्टी लगा ली पूरे राउंड राउंड करते हुए। ऊपर से एक सिलाई लगा था जैसे कि हमने बाजू में लगाई थी। इस तरीके से करने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए फोल्ड करेंगे यहाँ पर, देखिए दोनों साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जितना हमें आर्म होल की यहाँ पे लूज बन रखना है, इतना करने के बाद यहाँ से ये सिलाई लगा लें। दोनों साइड सिलाई लगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने साइड से सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और यहाँ पर नीचे से भी फोल्ड कर दिया। तो इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, और ये जैसे कि मैचिंग मैचिंग पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा लेंथी न रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दिया, साइड से सिलाई लगा दी। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी ड्रेस रेडी होगी। लेकिन इसके साथ में क्या पहनेंगे, हम पैंट बनाएंगे। तो आइए पैंट का मैं आपको माप बता देती हूँ। तो देखिए इसका मैचिंग मैचिंग हमने फैब्रिक ले लिया, जो कि जिसकी हम पैंट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने मैचिंग फैब्रिक लेने के बाद किया, ये भी वूलन का ही फैब्रिक है सेम इसी तरीके का। तो हम क्या करेंगे, पैंट के लिए ये थोड़ा हैवी हैवी सर्दियों के लिए तो मोटा मोटा, तो इस तरीके से यहाँ पर हम रखेंगे। ये देखिए 5 इंच का मैंने यहाँ से फैब्रिक रखा है, और यहाँ से ये रहे हैं 11 इंच टोटल, मीन्स ओपन करेंगे तो 11 इंच। तो इस तरीके से करने के बाद हमने यहाँ पे माप ले लिया। लेने के बाद हम पैंट कैसे बनाएंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे, और नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। पहले नीचे से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे।
तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने नीचे से सिलाई कर दी फोल्ड करके, और यहाँ से भी इसमें ज़्यादा फोल्ड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि धागा इसका नहीं निकलता, तो इसी तरीके से फैब्रिक को हमने फोल्ड करते हुए लास्ट एक स्टिच कर दी थी। तो ये देखिए लास्ट का भी ज्वाइंट है, मैं इसको अभी खींचूंगी और अपने ठाकुर जी के कमर के अकॉर्डिंग करूँगी। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से हमने इस इलास्टिक को खींच लिया। खींचने के बाद यहाँ से इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से हमें ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग इसको रखने के बाद यहाँ से सिलाई कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इलास्टिक को खींचते हुए इस तरीके से ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग ये देखिए, और मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी। लेकिन यहाँ पर क्या, आधा इंच मैंने इस तरीके से छोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से छोड़ने के बाद यहाँ से इस तरीके से सेंटर करेंगे और यहाँ से भी आधा इंच यहाँ पर कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कट कर दिया, तो ये दोनों पीस बराबर हो गए। इस तरीके से दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएं, आसन ज़्यादा छोटा नहीं करना। यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा के दोनों पैरों को बराबर रखेंगे, और जितनी मोरी रखनी है मोरी के बाद हम दोनों को बराबर मोरी रखने के बाद सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया, सिलाई लगा के मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ ठाकुर जी का पैंट कितनी प्यारी कितनी सुंदर बनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो हमें लेंथ लेनी है अपने ठाकुर जी की लेग के हिसाब से लेना है, ना ही छोटी करनी, क्योंकि ये विंटर की ड्रेस है। तो इस तरीके से इसकी पूरी लंबाई लेनी है मापने के बाद। तो ये देखिए ड्रेस तो बहुत ही प्यारी बन गई है, देखिए सर्दियों के लिए। मैं आशा करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।